Justin Dami. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। तो हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं वन यू आई सिक्स के कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पे वन यू आई सिक्स ने कल एक न्यू फीचर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था। उस वाले फीचर का नाम क्या है और वहाँ पे हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, और इसी के साथ वन यू आई सिक्स एंड्रॉयड 14 कौन से डिवाइसेस के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है या फिर रोलिंग आउट होना स्टार्ट होने वाला है। तो इस वाले वीडियो में आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ पे वन यू आई सिक्स बेटा प्रोग्राम जस्ट लॉन्च इन जर्मनी, कोरिया एंड यूएसए। तो यहाँ पे तीन रीजंस के लिए वन यू आई सिक्स बेटा प्रोग्राम को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है, और इसी के साथ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं सैमसंग रिलीजेस वन यू आई सिक्स फॉर गैलेक्सी S23 सीरीज यूजर्स। वन यू आई सिक्स इज बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14 एंड अलाउज यूजर्स टू हैव अ मोर कस्टमाइज एक्सपीरियंस ऑन देयर स्मार्टफोन्स। दिस इंक्लूड्स एडजस्टमेंट टू वेरियस एप्स एंड फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अदर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। द बेटा वर्जन इज अवेलेबल इन द 3 मार्केट्स ऑफ कोरिया, यूएसए एंड जर्मनी। तो अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और शो कर देता हूँ। यहाँ पे वन यू आई सिक्स का जो न्यू कंट्रोल सेंटर है वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसका हमारे पास डिफरेंट लुक्स भी रिवील हो चुके हैं। और इसी के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। कल यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन इस वाली वेबसाइट पे लीक हो चुकी थी, लेकिन हम जब इसको एक घंटे के बाद दोबारा से ओपन करने का ट्राई कर रहे थे तो ये वाली वेबसाइट यहाँ पे ओपन नहीं हो रही थी। और आप यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं कि ये वाली वेबसाइट अभी भी ओपन नहीं हो रही है, जो कि शो करता है कि सैमसंग ने ये वाली इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टेक यहाँ पे ऑफिशियली रिवील कर दी थी। तो अब मैं आपको यहाँ पे वन यू आई सिक्स कंट्रोल सेंटर का फुल लुक एक बार शो कर देता हूँ कि उसका यू आई हमें किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वन यू आई सिक्स का जो पूरा कंट्रोल सेंटर है वो हमें यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और हम जब इसको हाफ ओपन करते हैं, यानी कि हम जब इसको बस थोड़ा सा ओपन करते हैं इस तरीके से, तो हमें केवल यहाँ पे जो ऊपर ऊपर की शेड है हमें केवल वही शो होती है, और उसका यूआई हमें यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। हमें यहाँ पे वाईफाई, साउंड, ब्लूटूथ, रोटेट, एयरप्लेन मोड एंड इसका हमें ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं विद ब्राइटनेस टॉगल्स। और इसी के साथ हम जब इसको फुल्ली ओपन करते हैं तो फुल्ली ओपन करने के बाद यहाँ पे केवल वाईफाई और ब्लूटूथ के ही ऑप्शंस रह जाते हैं, और यहाँ पे जितने भी बाकी के ऑप्शंस हैं उन सभी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये वाला जो यूआई है ये हमें थोड़ा सा कस्टमाइज देखने के लिए मिल जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला यूआई कैसा लगा। और इसी के साथ सैमसंग यूआई वन यूआई सिक्स हमें गैलेक्सी S23 सीरीज़ में बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है। इन्होंने उस वाली वेबसाइट को, यानी कि उस वाले आर्टिकल को अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दिया है, लेकिन यहाँ पे न्यू कंट्रोल सेंटर वन यू आई सिक्स का ऑफिशियली लीक हो चुका है। तो हम सभी को वन यू आई सिक्स में ये वाला न्यू कंट्रोल सेंटर देखने के लिए मिलने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला कंट्रोल सेंटर कैसा लगा। और इसी के साथ हमें यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में पावर मेन्यू, सेटिंग्स के भी टॉगल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो वन यू आई सिक्स के कुछ फीचर्स से रिलेटेड, और ये हमें गैलेक्सी S23 सीरीज़ में बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाला है वन यू आई सिक्स एंड्रॉयड 14 के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करके जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।